तो नए साल के जश्न को लेकर के उधम सिंह नगर पुलिस ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं और नए साल के जश्न को लेकर के आयोजकों को कोविड 19 की गाइडलाइन को फॉलो करना ही होगा। जानकारी देते हुए प्रशासन ने यह बताया है कि कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर प्रोग्राम करने से बैन किया गया है। सिर्फ अपने निजी स्थान पर ही लोग कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं और इसमें भी 100 लोगों से अधिक एक साथ एकत्रित नहीं होंगे। यही नहीं, हुड़दंग काटने वाले, शराब पीकर के रफ ड्राइविंग करने वाले लोगों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इसमें हम जितने भी जहां जहां भी, पहली बात तो हम, मेरी जानकारी में नहीं है कहीं मतलब उधम सिंह नगर में इसका आयोजन हो रहा है और हम मीटिंग कर रहे हैं सभी थाना स्तर, सभी एसओज, सारे सीओज, जहाँ जहाँ भी इस तरह का आयोजन हो रहा है बाहर जानकारी कर रहे हैं उनको स्पष्ट रूप से कोविड के जो के संबंध में जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से पहला बात तो यह है कि ये न हो कार्यक्रम, इस तरह का कार्यक्रम न हो, पहला हमारा प्रयास ये रहेगा। अगर कोई आयोजन करता है तो उसको जो कोविड के संबंध में जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करते हुए मैक्सिमम 100 लोग रह सकते हैं, उसमें भी जो है आपका जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क धारण करने का है और जो अन्य, इसके अलावा जो अन्य जो सावधानियां हैं उसको अपनाते हुए अगर कोई करता है तो उसमें इसको विचार किया जाएगा। लेकिन हमारा प्रथम तो यही उद्देश्य, यही हमारा प्रयास है कि इस तरह का कोई आयोजन हो ही नहीं। इसको अगर कोई आयोजन करना अपने घर के स्तर पर कर लें, परिवार के स्तर पर कर लें, लेकिन ये सामूहिक में। दूसरा, इसमें एक ये भी होता है कि जो कम उम्र के लड़के होते हैं ये शराब वराब पी करके हुड़दंगबाजी करते हैं, उससे भी जो है में भी कोविड के जो दिशा निर्देश हैं उसका उल्लंघन होता है। और चलिए बातचीत करते हैं, चेतन बिष्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। चेतन ने बताया कि कोविड 19 की गाइडलाइन की पालना करना जरूरी होगा, नए साल के जश्न को लेकर के गाइडलाइंस जारी की गई हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल आयुष, जिस तरह से कोविड 19 अभी कोविड कोरोना वायरस का कहर चल रहा है और नए साल का जश्न की तैयारी में लोग लगे हुए हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि कोई भी सार्वजनिक स्थल पे कोई भी प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। अपने घरों में लोग जरूर प्रोग्राम कर सकते हैं जिसमें भी 100 लोगों तक ही गैदरिंग की जाएगी। इसके अलावा पुलिस ने ये भी इंतजाम किए हैं कि जहां प्रोग्राम हो रहे हैं वहां पर एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर कराई जाए और उस पर पुलिस नजर रखेगी कि 100 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग ना हो, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, इसके अलावा मास्क का प्रयोग किया जाए। तो पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं मुस्तैदी से कोशिश कर रहा है कि कोरोना के जो कहर है उसको कम में रखा जाए, कंट्रोल में रखा जाए। इसके अलावा पुलिस ये भी नजर रखने की कोशिश कर रही है कि उस रात 31 की नाइट या 31 के दिन भी कोई शराब पीकर लोग हुड़दंग ना करें या कहीं पर भी किसी तरह की अराजकता ना फैलाई जाए। तो पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश में तो यही कर रहा है कि स्थिति को कंट्रोल में रखा जाए और लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना होने दी जाए। चलिए चेतन, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए।